समूचे देश एवं प्रदेश सहित सभी जनपदों में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी का सबसे बड़ा इलाज बचाव है। इसके बावजूद यदि लोगों के द्वारा बचाव नहीं हो पाता है तो सबसे पहली सीढ़ी कोरोना की जांच मानी जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी ही रोग ट्रेस्ट हो जाता है उतनी ही शीघ्रता से इलाज किया जा सकता है। उसमें भी विशेष रूप से RT-PCR की जांच 70% ऑथेंटिक मानी जाती है। ऐसे में विभिन्न जिलों में तत्काल जांच के लिए एंटीजन किट इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि बगैर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में विभिन्न COVID-19 अस्पतालों में मरीजों का दाखिला भी नहीं हो पाता है। ऐसे में देखने को ये मिलता है जब तक कोरोना की RT-PCR की जांच रिपोर्ट आती है तब तक मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। और तो और तमाम ऐसे मरीज देखने को मिले जो RT-PCR रिपोर्ट आने से पहले ही दम तोड़ चुके होते हैं, क्योंकि COVID-19 की RT-PCR की जांच के लिए अभी तक सैंपल लखनऊ भेजा जाता था, जहां पर विभिन्न प्रयोगशालाओं में RT-PCR की जांच होती थी, तब जनपद को प्राप्त होती थी। ऐसे में कभी कभी 72 घंटे से भी अधिक समय लग जाया करता था, जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्राण घातक सिद्ध होता था। ऐसे में केंद्रीय मंत्री व अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने पहल की है तथा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन पर अमेठी में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अमेठी जनपद मुख्यालय गोरीगंज के असेदापुर स्थित मलिक मोहम्मद जैसे संयुक्त चिकित्सालय में RT-PCR मशीन पहुंच चुकी है। शीघ्र ही इसके इंजीनियर पहुंचकर मशीनों को इंस्टॉल कर देंगे, इसका संचालन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अमेठी जनपद के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अभी तक 72 घंटे का समय लग जाया करता था, कोरोना की RT-PCR की जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर प्राप्त की जा सकती है। और ऐसे गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शीघ्र ही शुरू हो सकेगा और वे जल्द ही रिकवर हो सकेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ नायर। नहीं जी, कब तक इसकी सेवाएं लोग? देखिए, शासन की तरफ से मशीन उपलब्ध हो गई है, अतिशीघ्र जैसे इसका इंजीनियर आता है इसको इंस्टॉल कर देता है तैसे हम इसकी सेवा अमेठी वासियों को देना प्रारंभ कर देंगे। और इससे जो अमेठी वासियों को जो RT-PCR सैंपलिंग में काफ़ी दिन का रिजल्ट आने का वेट करना पड़ता था वो हम 24 घंटे में देने का प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को इलाज के लिए लंबा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पांडे। पांडे जी, ये मशीन कब तक यहाँ लोगों की सेवाएं मिल पाएंगी? जब भी इसके इंजीनियर आ जाएंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे इसकी सेवाएं तुरंत चालू हो जाएंगी। जो हमारे इससे यहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? बहुत सारे लाभ हैं। जो अभी मरीजों को वेट करना पड़ रहा है, हमको सैंपल पैक करके लखनऊ भेजना पड़ रहा है, वो सारी सेवाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाएंगी। और जो रिपोर्ट हमको 72 घंटे बाद मिल रही है वो हमको 24 घंटे में ही उपलब्ध हो जाएगी। सब जिला चिकित्सालय में RT-PCR की मशीन आ गई है, तो ये कब तक चालू हो पाएगी और कब तक मरीजों को इसकी सुविधाएं क्या मिलेगी, किस तरीके से? देखिए, जिला चिकित्सालय में RT-PCR जांच के लिए मशीन आ गई है, परंतु अभी इंजीनियर आके उसको इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद जिले के लोगों को जो RT-PCR की रिपोर्ट काफ़ी वेट करना पड़ता है, वो रिपोर्ट जल्दी मिल जाया करेगी और लोगों को उसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। इंजीनियर जल्दी आके उसको इंस्टॉल करेगा।